हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी व्लॉग में। सो दोस्तों, आज का व्लॉग में एक नए स्टाइल में शूट कर रही हूँ। एक्चुअली जो जो भी काम होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी, शुरुआत से लेकर जब तक भी मैंने वीडियो शूट किया है तब तक दिखाऊँगी आपको पूरा। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में, और मंदिर के बर्तन मैंने साफ़ कर दिया, अच्छे से पीताम्बरी से चमका लिया है बर्तनों को, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा टाइम था तो अच्छे से चमका लिया है। धोती मैं रोज़ हूँ बट इतना टाइम नहीं मिलता तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन धोती रोज़ हूँ। तो यहाँ पर मैया जी का श्रृंगार होगा, आप सबसे पहले सारे भगवान जी को स्नान कराएंगे और मैया रानी को स्नान कराएंगे। ये शायद नवमी की दिन की वीडियो है मेरे ख्याल से। तो ये पिछौड़ा है, हमारा पारंपरिक परिधान होता है, कुमाऊनी में चलता है। तो ये मैया रानी को हम चुनरी के रूप में उड़ाएंगे और मैया के श्रृंगार करेंगे। और यहाँ पे जो भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, कृष्णा जी के, मैया रानी के, जितने भी हैं मंदिर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो ये एक डब्बा था उसमें रख दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम, मतलब उसी टाइम हमें मिल जाए। मंदिर में ही रखा होता है ये। और एक जो एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं मैया रानी के या मंदिर की चुनरी वगैरह, ये पॉलीथीन में रख दिए यहाँ पर, इधर उधर ढूंढनी ना पड़े ताकि हमें आसानी से मिल जाए। ये मैंने सारे भगवान जी को कुंडी में लगा दिया है, नहला धुला के तैयार कर दिया है एकदम पूजा के लिए। और अब मैं मैया रानी का श्रृंगार करने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे और उसके बाद उनको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? आप लोग देखिए, तो एक रुमाल रखी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले नहला के मैं मैया रानी को ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो है वो मतलब कुंडी में गिरे ना रहें। उसके बाद फिर मैं ये लहंगा जो मतलब मम्मी लाई थी, पिछली बार लेके आई थी नवरात्रि में, बहुत सुंदर लहंगा लगता है मुझे ये, देखिए आप लोग। सो गाइज, मुझे ना ये वाला जो ये वाले वस्त्र है मैया के, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये वाला लहंगा मैया को पहनाना। तो ये अच्छे से मैया रानी को हमने तैयार कर दिया है। उसके बाद जो पिठिया मैंने सबसे पहले ही घोल लिया था तो वो घुल चुका है अच्छे से, और पिठिया कुमकुम लगाएंगे और अच्छे से सभी भगवान जी को हम पिठिया लगाएंगे, और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। राम नारायणं कृष्णरामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका। तो सबसे पहले शंख और घंटी को धोते हैं और उसी में सबसे पहले पिठिया लगाए जाते हैं। दोस्तों, माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरम्। अब मैंने सभी भगवान जी को अच्छे से टीका लगा लिया है, तो उसके बाद मैं भी खुद को पिठिया लगा लूँगी। और हमारे वहाँ ऐसे एक नाक में लगाते हैं और एक ऊपर लगाते हैं, डबल पिठिया लगाते हैं, और ऊपर वाले जो टीका होता है उस पर हम पीला वाला जो कुमकुम है वो लगाते हैं, नीचे नहीं लगाया जाता पीला वाला। और फिर हम लगा लेंगे अच्छे से, चावल का अच्छा लगा लेंगे, और मैं तैयार हूँ पूजा करने के लिए। दोस्तों, सुबह सुबह की पूजा करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ पूजा करिए, बोलिए जय माता दी। दोस्तों, अभी मैं आई हूँ छत पे और मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जुकाम लगा है, धूप आ गई है बहुत अच्छी वाली। और मैंने सूर्य देवता जी को जल भी चढ़ा दिया है, शिव जी को भी जल चढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो अब मैं जाती हूँ नीचे, आज का सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट, मतलब पूजा वाला, उसके बाद अब नाश्ते की तैयारी होती है, मतलब नाश्ता बनाती हूँ, नीचे जाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं, साड़ी पहनी थी धुल चुके। अच्छा, नवमी के दिन का व्लॉग है दोस्तों, मैंने अष्टमी को ये साड़ी पहनी थी, अब मुझे याद आ गया। तो मैंने एक सरसरी नज़र इन पौधों पे भी डाली कि सब कुछ ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये चार पौधे तो बिल्कुल सही सलामत हैं, बाकी फूल भी सही हैं, बस कुछ पौधे जो मैंने वो लगाए थे गुलाब के पौधे वो उगे नहीं अभी तक। और यहाँ पर मैं थोड़ा देख रही हूँ इनको कि ये कैसे हो रहे हैं करके, पर यहाँ गर्म इलाका है तो ये माल्टा वगैरह ठंडे इलाकों में होते हैं तो यहाँ तो होंगे नहीं। यहाँ पे ये हमारे गांव की वीडियो है जहाँ पे सभी महिलाएं हमारे जो देवी का मंदिर है वहाँ पे भजन गा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगा मुझे भजन, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी सुनिए और एंजॉय करिए और बोलिए ज़ोर से जय माता दी। जी।